हेलो दोस्तों, वेलकम टू जुनैद खान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी ये कर्सर देख रहे हैं इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कर्सर भी आपका मोबाइल स्क्रीन पर शो हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपकी, जो अब ये कर्सर से आप समझा सकते हैं कहीं भी कि कैसे कहाँ पर टच करना है। आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी वीडियो ज़्यादा एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एरो वैरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कर्सर की मदद से आप कुछ भी समझा सकते हैं, यहाँ पे टच करना है, वहाँ पे टच करना है, मोबाइल स्क्रीन भी रिकॉर्ड होगी और ये कर्सर भी शो होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कैसे आप इस तरीके से आप मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, कर्सर भी शो हो और ये रिकॉर्ड भी हो आपकी मोबाइल स्क्रीन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है और स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना है, जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सर्च करना है स्क्रीन रिकॉर्डर। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं फोर्थ नंबर पे जो सा स्क्रीन रिकॉर्डर आ रहा है वो वाला आपको डाउनलोड करना है, स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड, ये वाला डाउनलोड करना है। ये 2.5 MB की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। इसको डाउनलोड करना, डाउनलोड करने देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो कट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे वीडियो का आइकन आएगा, यहीं से आप अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं जब स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। ये पॉज करने के, वो स्टॉप करने के लिए आ रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस क्या क्या सेटिंग करनी है, ठीक है ना। इस स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, यहाँ पर ऐसे रहने देना, रेजुलेशन वेजुलेशन फ्रेम व्रेम सब ऐसे रहने देना। आपको ये माइक रिकॉर्ड करना चाहें तो अपनी वॉइस, तो यहाँ पे रिकॉर्ड माइक को ऑन कर लीजिए, रिकॉर्ड ऑडियो इसको ऑन कर लीजिए अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो अपनी वॉइस, मैं तो बंद कर रखा है फ़िलहाल। और यहाँ पे देख सकते हैं शो शो टच, इसको ऑन करके रखना है आपको शो टच, ठीक है ना। यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं ये स्क्रीन जो रिकॉर्ड हो रही है, इसकी वीडियो आप सिलेक्ट कर लीजिए, इंटरनल मेमोरी या SD कार्ड में आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे लोगो इमेज पे क्लिक करना है आपको कर्सर लगाने के लिए, ठीक है ना। लोगो इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए कर्सर सेट कर रखा मैंने। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे सेट कर सक रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको इस पर क्लिक कीजिए, एंड में बताऊँगा कैसे आप ये कर्सर की इमेज डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप 3 लाइन पे क्लिक करके गैलरी में जाना है आपको। जाने के बाद यहाँ पे कर्सर की PNG इमेज डाउनलोड कर रखी है मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं यदि इसको मैं सेट करके दिखा देता हूँ आपको कैसे सेट करनी है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, इसको पूरा कर्सर लाना चाहिए ऐसा सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना, सिलेक्ट करने के बाद पूरा कर्सर लाना चाहिए, यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको कितना बड़ा कर्सर दिखाना है यहाँ पे स्क्रीन पे वो सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से एडजस्ट कर लेना और यहाँ पे शो लोगो पे ऑन रखना है इसको, ठीक है ना। शो लोगो ऑन रखना, बस यहाँ से आपका काम हो चुका है। अब मैं और सेटिंग बता देता हूँ इसकी, आप देख सकते हैं शो कैमरा, इससे आप अपनी फेस कैम वीडियो भी बना सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड करते हुए, ठीक है ना। यहाँ पर शो कैमरे को ऑन कर दीजिए और आप किस से आप अपनी फेस कैम वीडियो बनाना चाहते हैं, रियल कैमरा या फ्रंट कैमरा सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं फेस कैम वीडियो भी स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ। और बस आपकी सेटिंग हो चुकी है। यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन का डार्क मोड ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी सेटिंग हो चुकी है। बस आपको मैंने बता दिया कहाँ से वीडियो स्टार्ट करनी है आपको। अब कर्सर भी शो होगा आपकी वीडियो में, स्क्रीन रिकॉर्ड भी होगी, इस तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्ड और कर्सर भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आप ये जो कर्सर देख रहे हैं इसकी PNG इमेज डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कोई से ब्राउज़र पे आप चली जाइए, जाने के बाद आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है cursor.png और इमेज वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे बहुत सारी इमेज मिल जाएंगी, PNG इमेज नहीं मिलेंगी पर इमेज मिल जाएंगी आपको। आपको कोई सी भी इमेज डाउनलोड कर लेनी है, डाउनलोड करने के बाद उसको आपको PNG इमेज में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।